हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज हमारे पास पीट्रॉन का स्टूडियो क्लासिक हेडफोन और आज मैं करने वाला हूं इसकी अनबॉक्सिंग और दूंगा आपको एक छोटा सा रिव्यू कि आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। तो देखेंगे सब कुछ इस वीडियो में इस हेडफोन के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा बॉक्स और सबसे पहले हम लोग बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीट्रॉन की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। नीचे में आपको स्टूडियो क्लासिक लिखा हुआ देखने को मिलता है। साइड में देखें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पीछे देखें तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3,250, लेकिन ये इतने का नहीं है। आगे मैं आपको बताऊँगा इसको मैंने कितने में बाय किया है और आपको कितना का इसको बाय करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको हुक भी देखने को मिलता है जिससे आप इसको घर में ऐसे कील वगैरह में टांग सकते हैं। तो देखिए बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले यहाँ पर आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ये टाइप सी नहीं है, ये माइक्रो यूएसबी केबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको दिया है एक ऑडियो केबल जिससे आप इस हेडफोन को एक वायर्ड हेडफोन की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी इसको रखते हैं हम लोग साइड में, देखते हैं अपने हेडफोन के बारे में कि ये कैसा है और ये देखने में कैसा लग रहा है। आपको यहाँ पर एक यूजर मैनुअल भी देखने को मिलता है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम लोग फेंकते हैं साइड में। और देखिए ये रहा हमारा हेडफोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा हेडफोन जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये काफी ज्यादा हल्का है, मतलब वेट काफी ज्यादा कम है। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, इतना ज्यादा हल्का है ये। और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे बाद में। हालांकि बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेटेलिक फिनिशिंग देखने को मिलती है जिससे ये काफी ज्यादा चमक रहा है और देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों में दिया हुआ है। और ये जो मेटेलिक फिनिश आपको यहाँ पर दी गई है ये रग्ड टाइप की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आवाज सुन सकते हैं जिससे आप इसको नाखून से ऐसे रगड़ सकते हैं और नाखून को साफ कर सकते हैं। और साइड में देखें तो यहाँ पर आपको रबर टाइप की फिनिशिंग देखने को मिलती है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मतलब है सही है। और दोस्तों ये जो ईयर कप है इसमें आपको सॉफ्ट कुशन मटेरियल का यूज किया गया है जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है देखा जाए तो। और यहाँ पर आपको एक कपड़ा भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्वालिटी ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर हाँ ठीक ठाक है। और दोस्तों ये जो कुशन है कुछ इस तरीके से मोड़ सकता है देख सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप इसको मोड़ के भी ऐसे कहीं रख सकते हैं। और दोस्तों ये जो हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें भी आपको रबर क्वालिटी का यूज किया गया है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर आप इसको देर तक पहनते हैं तो ये आपको गड़ेगा नहीं। और दोस्तों इसको आप इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप अपने हेड के साइज के हिसाब से, तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर आपका सर बड़ा है या फिर छोटा है तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ईयर कप आपको दिया गया है इसको आप यहां से बैंड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जिससे आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कैरी करते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इसके जो ईयर कप है वो कुछ इस तरीके से भी होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको एक TF कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप अपने मेमोरी कार्ड को यहां पर लगा के इससे म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, कोई भी आपको मोबाइल से कनेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर आपको FM रेडियो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन कौन माइक्रो यूएसबी स्लॉट का यूज करने वाला है और कौन कौन FM रेडियो का यूज करने वाला है। और दोस्तों बात करें इसके ऑप्शंस की, तो दोस्तों यहां पर जो ईयर कप आपको देखने को मिलता है इसमें तो आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर ये जो ईयर कप है यहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी का पोर्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और यहां पर आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, और यहां पर आपको एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है जिससे आप इस हेडफोन को वायर्ड हेडफोन के जैसे भी काम कर सकते हैं, और एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक भी आपको यहां पर देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊं तो एवरेज टाइप की है, उतना भी बढ़िया नहीं है पर हाँ चलेगा। और यहां पर आपको कुछ बटन देखने को मिलते हैं जिससे आप इसकी मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रीवियस करना हो, नेक्स्ट करना हो या फिर वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, तो यहां पर आपको 1000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपको 20 hours तक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं जितना मैंने इसको यूज किया अनबॉक्सिंग के वक्त तो बैटरी बैकअप तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि मतलब यूज करते रहो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बैटरी बैकअप वगैरह में तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप इसको पहनते हैं अपने कानों में तो कंफर्टेबल देखा जाए और फिटिंग की क्वालिटी देखी जाए तो काफी पसंद आया क्योंकि दोस्तों ये कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है कंफर्टेबल है वो काफी बढ़िया है। अगर आप इसको अपने कानों में पहनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको पहना हुआ है क्योंकि ये काफी ज्यादा हल्का है और काफी ज्यादा सॉफ्ट है,
तो आप चाहें तो इसको एक दो घंटा तो आराम से पहन सकते हैं और अपने म्यूजिक वगैरह या फिर गेम वगैरह खेलते हैं तो आप खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी साउंड क्वालिटी मेरे को कैसी लगी, तो देखिए मैंने इसको 3-4 घंटे तक यूज किया तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मेरे को काफी पसंद आया। मतलब वोकल्स वगैरह क्लियर है और वॉइस ट्रांसमिशन वगैरह बात वगैरह करते हैं आप कॉल पे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेस वगैरह देखा जाए तो वो भी सही है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को जितना इसका प्राइस है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हाँ बढ़िया है आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं, उतना खराब नहीं बोला जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों ये आपको अमेजोन पे 1100 का मिलता है तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है आपके लिए। तो अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए अगर आपका बजट 1000 रुपए है, 1000 रुपए के अंदर आप कोई हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे आप इसको पहन के गेमिंग करना चाहते हैं या फिर आप म्यूजिक सुन के मजा उठाना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा दोस्तों। 1000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और सही बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा हल्का है, आप इसको अपने सर पे पहनेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने इस हेडफोन को पहना हुआ है। कभी कभी तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैंने इसको पहन भी रखा है, इतना ज्यादा हल्का है ये। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कितना ज्यादा टिकाऊ है, यानी बिल्ड क्वालिटी इसकी कितनी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को भी अच्छी लगी काफी। मतलब कोई कोई हेडफोन होता है जिसको मेरे को ऐसे लगता है कि इसको मोड़ूंगा तो ये टूट जाएगा, ये ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को। मतलब प्रीमियम टाइप का फील आ रहा है इसको आप देखेंगे, इसके जो मेटेरिक आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिलती है तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में भी। और आप इसको किसी को दिखाएंगे तो उसको लगेगा नहीं कि ये 1000 रुपए का है। तो ये क्वालिटी है दोस्तों यहाँ पर। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।